हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ही होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो आप सभी को पता ही होगा कि डीयू सोल के या एनसीबीएफ के या रेगुलर के, ये मान के चलिए डीयू के आपके जो एग्ज़ाम है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो आपके मार्च में कंडक्ट कराए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसे आप गांठ बांध लीजिए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड ईयर में आपका थर्ड सेमेस्टर। अगर आप SOL के स्टूडेंट हैं तो भी आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे, अगर आप NCBF के स्टूडेंट हैं तो भी आपके एग्ज़ाम मार्च में होंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो भी आपके एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट कराए जाएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे, उनको ये नहीं पता कि सर अभी जो डेट शीट SOL की वेबसाइट पर आ रखी है क्या वो ओरिजिनल डेट शीट है या टेंटेटिव है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो अभी SOL की साइट पे अभी जो आपको डेट शीट देखने को मिल रही है वो बेसिकली टेंटेटिव डेट शीट होती है। अब कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए टेंटेटिव डेट शीट का मतलब ये होता है कि जो फाइनल डेट शीट से पहले एक अनुभव के लिए एक अनुवांशिक डेट शीट निकालते हैं, मतलब कि उसमें आपको ये अंदाज़ा दे दिया जाता है कि जो आपकी फाइनल डेट शीट होगी कहीं ना कहीं 99% इसी से मैच करेगी। एक दो दिन का आगे पीछे का गैप रहता है, पर ये मान के चलिए कि जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट है यही आपकी फाइनल डेट शीट भी होने वाली है। और जैसी होगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से दे दूँगा जैसे डिक्लेयर करी जाएगी आपकी फाइनल डेट शीट। अब बात कर लेते हैं कि सर ये जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे क्या फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्च में होंगे? जी हाँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम आपके मार्च में आयोजित कराए जाएंगे। अब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कौन कौन है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कराए जा रहे हैं। देखिए अभी जो आपके एग्ज़ाम होंगे इसमें एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2019 में SOL के अंदर एडमिशन लिया था और जिन्होंने 2020 में SOL के अंदर एडमिशन लिया था, वो स्टूडेंट या वो गर्ल्स या बॉयस स्टूडेंट मार्च में होने वाली परीक्षाओं में बैठेंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस मोड पर कराए जाएंगे। देखिए कई सारे स्टूडेंट मेरे पर मैसेज करते हैं कि सर ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। देखिए आपके जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे वो ओपन बुक एग्जामिनेशन कराए जाएंगे यानी OBE मोड में कराए जाएंगे, जिससे हम ऑनलाइन भी कहते हैं, यानी ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होगा कि सर क्या ओपन बुक एग्जामिनेशन हार्ड होता है? देखिए ओपन बुक एग्जामिनेशन एक बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसमें अब आपके सामने कोई टीचर नहीं बैठा होगा, आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल पर आपको अपनी आंसर शीट सबमिट करनी है और उसी आंसर और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसी पोर्टल से आपको प्राप्त करना है। कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, जैसी उसकी डेट अनाउंस होगी OBE की तो मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चैनल पे बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि सर क्या जिससे मुझे ओपन बुक एग्जामिनेशन घर पे बैठ के नहीं देना है, मुझे कॉलेज जाना है क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरा सपना है कॉलेज में जाके पेपर देने का, क्या मैं कॉलेज में जाके पेपर नहीं दे सकता? कि सर मेरे घर में तो जगह नहीं है, शोर वगैरह बहुत होता है। देखिए उसका भी ऑप्शन है, अगर आप चाहे घर में बैठ कर पेपर दे सकते हो, वरना अगर आप चाहे कॉलेज जाना चाहते हो तो कॉलेज जाकर भी पेपर दे सकते हो। क्योंकि ग्रुप पर मेरे ग्रुप पर DU SOL का मेरा जो ग्रुप है उसमें कई काफ़ी सारी डिस्कस यही हो रहे थे कि सर क्या फिजिकल मोड है? जी हाँ फिजिकल मोड है। अब बात कर लेते हैं कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे। देखिए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम अप्रैल के बाद होंगे, अभी उनके डेट शीट नहीं आई तो उनकी अभी बात नहीं करना चाहता मैं। अभी ये मान के चलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर आपके रेगुलर NCBF SOL के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सर जैसे डेट शीट में एक ही डेट पर दो दो पेपर लग रहे हैं, क्योंकि डेट शीट तो आ चुकी है टेंटेटिव, तो एक ही डेट पे जैसे इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, या EBS का भी है और हिस्ट्री का भी है, ऐसा कैसे? क्या एक दिन में हमें दो पेपर देने? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक दिन में दो पेपर का मतलब ये है कि अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो किसी और ने एजुकेशन लिया होगा, पर अगर आपने दोनों ही लिया है तो आप देख सकते हो उसके नीचे भी एजुकेशन और हिस्ट्री रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो आपके जो पेपर की डेट रहेगी, जो कोड रहेगा, वो आपके एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा या जब डिक्लेयर किया जाएगा एडमिट कार्ड, उसके अंदर आपके
पर्टिकुलर जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी आपका टाइमिंग रहेगी, जो भी आपकी डेट रहेगी, वो आपको उसमें शो करेगी। तो आपको एडमिट कार्ड के हिसाब से ही पेपर देना है। अब बात कर लेते हैं सर टेंटिव डेट शीट का, फिर क्या फ़ायदा था कि टेंटिव डेट शीट से आपको पता चल गया कि आपके एग्ज़ाम मार्च में 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर वालों के, और आपके 18 से या फर्स्ट सेमेस्टर वालों के स्टार्ट होने वाले, बस डेट शीट से आपको यह अनुभव मिल गया। अब बात कर लेते हैं कि सर बुक मटेरियल नहीं है मेरे पास, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं थर्ड सेमेस्टर का एसएल का स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कहाँ से करूँ। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एसएल के अंदर जो इनका रवैया रहा है कहीं ना कहीं, एक तो ये रिजल्ट अभी तक लेट कर रहे हैं और ओपन बुक भी ले रहे हैं और अभी तक बुक भी प्रोवाइड नहीं कराई है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, पेपर कैसे देगा। देखिए ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाला है तो कहीं ना कहीं घर में बैठ के आप पेपर दोगे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो आपके पर्टिकुलर जो भी आपके सब्जेक्ट है उनकी आप हेल्प बुक या उनका पासपोर्ट या उनकी आप गाइड अपने पास में कोई बुक स्टोर है वहाँ पे जाके आप कलेक्ट कीजिए, उससे पढ़िए, वरना आपकी जो बुक है वो आपके मार्च के लास्ट वीक तक सारी, वो मार्च बोल रहा हूँ सॉरी, मार्च में तो आपके पेपर है, फरवरी के लास्ट वीक तक आपकी सारी बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी एसएल की तरफ से। आपको एक मैसेज आएगा या ईमेल आएगा, उस मैसेज पर ईमेल पे जो डेट दी जाएगी उसी डेट पे आपको कलेक्ट करनी है, विंडो नंबर जो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। इसीलिए आपको पेपरों से 10-12 दिन पहले ही आपको बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें कोई आशंका नहीं है। बाकी ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल इनका सॉफ्ट कॉपी में आता है, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। अब बात रहती है कि सर जैसे नोट्स वगैरह, देखिए बीए प्रोग्राम के नोट्स मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा बीकॉम और बीए प्रोग्राम वालों के, इसलिए निश्चिंत रहिए क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन में, सारे मैं आपको इसमें कराऊंगा। अगर उनकी आप तैयारी कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप सेकंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो एक ही बार में पेपर अपना निकाल देंगे, किसी में बैक नहीं आएगी। तो आप मेरे से जुड़े रहे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से जुड़े रहेंगे उतना उनका फ़ायदा। अगर आप एसएल के स्टूडेंट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी और भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। बेसिकली ये अपडेट इसीलिए था, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।